हेलो। हाँ, भास्कर को हमारे बारे में किसने बताया है? हमें जानता हूँ, वो जेल तोड़ के बाहर निकल गया और वो मुझे ही मारने आ रहा है। दोस्त कहता है तू अपने आप को? दोस्त, मैं जेल किया गया, तूने अपना असली रूप दिखा दिया। मेरा पीठ पीछे मेरा भास्कर, भास्कर मुझे जाने दे। भास्कर, तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे एक ही जगह जाने दूंगा, डायरेक्ट ऊपर। I will kill you, Shankar. Shankar! Velvana! 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 जल्दी से पुलिस को बुलाओ नाम्बियार, भास्कर ने अन्ना को मार दिया है। पर कॉल द पुलिस नाउ। केली सर, इस केस के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। सूर्यकिरण के मरने से एक हफ्ते पहले ये गायब हुआ था और इस आदमी की शक्ल हूबहू सूर्यकिरण से मिलती है और ये अभी तक मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली वरुण, इस केस में कोई भी नई जानकारी तब तक मायने नहीं रखती जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता, और जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता ये केस हमारे विरुद्ध ही जाएगा। हाँ सर, मगर हाँ शेखरन जी बोलिए। केड़ी सर, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। सुनाइए। भास्कर पकड़ा गया है। वेरी गुड। बैड न्यूज? और बैड न्यूज ये है, चंद्रा पार्टी के एमएलए विल्लू दुरई, उसका उसने मर्डर कर दिया है। योर ऑनर, एमएलए वेलुदोराई की मौत के लिए जितना भास्कर रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मिस्टर पाठक भी रिस्पॉन्सिबल है। ना वो इसकी गारंटी लेते, ना वो कोर्ट से भागता और ना ये मर्डर करता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं वैजयंती देवी को स्मरण कराना चाहूंगा कि अब तक अदालत में ये बात प्रमाणित नहीं हुई है कि भास्कर ने एमएलए वेलुदोराई की हत्या की है। ओ रियली? आप चेन्नई से नहीं है मिस्टर पाठक, इसीलिए सूर्या सर की हिस्ट्री को नहीं जानते। जब सूर्या सर ने डिसाइड किया था कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो एमएलए वेलुदोराई सबसे बड़े ऑपोजिशन में थे। उन्होंने ही उनके खिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी फ्रेम किए। क्या कहना चाहते हैं कि वो बदला लेने के लिए भास्कर ने वेलुदोराई की हत्या की है? ऑफ कोर्स, भास्कर ने तो कसम खाई है कि कोई भी आदमी इसके गॉड के खिलाफ एक वर्ड भी बोलेगा तो उसको ये फिनिश करेगा। एंड दैट इज व्हाट ही डिड, और वो भी इस सॉर्ड के साथ। इस सॉर्ड के साथ योर ऑनर। ये सॉर्ड सूर्या सर ने एंग्री अग्निदेव में यूज किया था, इस पर उनके उंगलियों के निशान है और ये स्वॉर्ड भी इसी के पास था। नहीं याना, ये स्वॉर्ड मेरे पास नहीं थी, और मैं एमएलए वेलुदराय के बंगले पर उनको मारने नहीं गया था। तो क्यों गया था वहां पे? मैं तो वहां उनके पीए को सबक सिखाने गया था याना। उसी कमीने शंकर की वजह से मैं कोर्ट से भागा था। ये शंकर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मेरा अरेस्ट होने के बाद ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पता है इसने क्या किया? ये उमा की फैमिली से मिलकर बोला कि भास्कर तो गया लाइफ भर के लिए, अब उमा की शादी उसके साथ कर दो। यू चीट। ये बात किसने बताई तुम्हें?
जी, उस दिन शेखरन सर ने कोर्ट खत्म होने के बाद मुझसे कही थी। और तुमने तभी भागने का प्लान बना लिया था? हाँ केडी सर, मेरे को कुछ नहीं सूझा। हुमा मेरी लाइफ है और ये कमीना शंकर मुझसे मेरी लाइफ छीनना चाहता था, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सका और यहां से भाग गया। आपका एक्सक्यूज लेकर आई एम सॉरी खीडी सर, आई एम रियली सॉरी, पर इन सब की वजह ये शंकर है। शंकर, पूछिए इसे। मैडम, मैं नहीं जानता हूं ये क्या बोल रहे। हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि मैं उमा को लाइक करता था स्टार्ट से, और अगर भास्कर को जेल होने के बाद मैं उमा को प्रपोज किया तो इसमें क्या रॉन्ग किया? तो उस रात वेलुदुरा के बंगले पर भास्कर तुमसे बदला लेने के लिए आया? नहीं नहीं मैडम, ये तो वेलुदुरा सर को मारने आया था। ये तो अच्छा हुआ कि भागते टाइम मैं उसके सर पर स्टैचू मार दिया और उसे रोक लिया। शंकर, यू लायर एंड यू आर अ किलर। अरे तुम उमा के लायक ही नहीं है, एक क्रिमिनल और किलर से ये क्या शादी करेगी? आ, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ताकि मुझे फांसी हो जाए और उमा हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाए। शंकर, तुझे नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा तुझे मैं। मिस्टर भास्कर, जेल से आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करेगा, मेरी जिंदगी का एक मर्डर करेगा मैं, वो तेरा। साइलेंस मिस्टर भास्कर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, आप तो देख ही रहे इस आदमी का गुस्सा। He's a mad man. ये तो वेलुदुरा सर को मारने के बाद मुझे भी मारने वाला था। You don't have to convince us about that. We are absolutely convinced. Thank you very much for your statement. Any questions? Please go. जो इंसान भरी अदालत में सबके सामने ऐसी हरकत कर सकता है, उस इंसान को आप अकेला छोड़ देंगे तो क्या नहीं करेगा? भास्कर ने एक नहीं दो मर्डर किया है योर ऑनर। He is, I tell you, a menace to the society. वैजयंती देवी, इस केस के परिणाम तक पहुंचने से पहले एक और परिणाम पर पहुंच चुके हैं हम। योर ऑनर, डॉक्टर रेड्डी के नाखून में पाए गए बाल की फोरेंसिक रिपोर्ट। क्या नतीजा है उस डीएनए टेस्ट का? बड़ा ही शॉकिंग नतीजा है योर ऑनर। वो बाल भास्कर के नहीं, स्वयं सूर्य किरण जी के। अब योर ऑनर, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, कहीं कब्रिस्तान के महमूद की बात सच तो नहीं? कहीं सूर्य किरण जी मृत्यु के बाद प्रेत बनकर बाहर तो नहीं घूम रहे हत्या करते हुए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर। इस बायोडेटा से सब स्पष्ट हो जाता है। योर ऑनर, ये राघव मनियार नामक व्यक्ति का बायोडेटा है जो सूर्य किरण जी की मृत्यु के एक हफ्ते पहले से अपने गांव मदुराई से लापता है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। याद नहीं, सूर्य किरण के मरने से एक हफ्ते पहले ये गायब हुआ था। इस बायोडेटा और उनकी तस्वीर से स्पष्ट है कि उनका चेहरा, कद, वजन सब हूबहू सूर्य किरण जी से मिलता है। तो आप ये कहने को ट्राई कर रहे हैं कि वो कब्र के अंदर एक्चुअली में मनियार की लाश है, हाँ, और सूर्य किरण एक्चुअली में जिंदा है?
नहीं देवी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस उचित समय पर उचित प्रश्न उठा रहा हूं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में इस केस में एक बात तो क्लियर है कि ये केस दिन ब दिन और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले मिस्टर भास्कर पर एक्विजिशन और मिस्टर सूर्य किरण के जिंदा होने में कोई कोरिलेशन नहीं था, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि जब तक हम मिस्टर सूर्य किरण की जिंदगी और मौत की पहेली को सुलझा नहीं देते, तब तक वी कैनॉट गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर। और इसीलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द मिस्टर सूर्य किरण की कबर को खोदा जाए और विद फुल रिस्पेक्ट उनकी लाश को निकाला जाए, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए, ताकि हम क्लियर हो सके कि वो बॉडी उन्हीं की है। Whether he's dead or alive, ये तो जांच का नतीजा आने के बाद में ही पता चलेगा, तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। Why, अन्ना? Why? मैं अपना लाइफ भर आपका सबसे बड़ा फैन बन के रहा, अपना फैमिली को छोड़ दिया मैं केवल आपके लिए अन्ना, आपके लिए। और मेरे ही साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा गॉड कर रहते हुए मेरे साथ हो रहा है, क्यों अन्ना? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ, क्यों? क्यों? भास्कर, हुमा, आई एम सॉरी भास्कर, हमको माफ कर दो, हम डर गया था, उस शंकर की बातों में आ गई। उसने हमसे कहा कि तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर से फैमिली का प्रेशर, इसलिए हम भी। हुमा, मैंने उस डॉक्टर रेड्डी को नहीं मारा, वो ना ही उस एमएलए को, तुम्हारा स्वेयर नहीं मारा मैंने। ए नकतेरियम, हमको मालूम है कि तुम इनोसेंट हो, अब तुमको इस ट्रबल से वो ही निकालेगा जिसकी वजह से तुम जेल में हो। कौन हुआ? तुम्हारा सुपरस्टार, तुम्हारा आइडल सूर्य किरण। हमको पूरा यकीन है कि he is alive, वो जिंदा है। देखा, देखा उमा, तुमको भी यही लगता है ना? मेरा सूर्य आना जिंदा है, जिंदा है मेरा आइडल, मेरा गॉड, जिंदा है मेरा आना, he is immortal, कभी नहीं मर सकता मेरा आना, कभी नहीं, मेरा आना को कोई नहीं मार सकता, he is alive, alive, सूर्य अन्ना, 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 शिफाली, हाँ शिफाली, घड़ी मैंने पहनी है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट। शिफाली, शिफाली तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? माफ करना साहब। शिफाली, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, देखो शेफू, शेफू मेरी, हेलो शिफाली, लगता है यहाँ नेटवर्क बहुत लो है, हेलो। आपको क्या लगता है केडी सर, अंदर से सूर्य किरण का बॉडी मिलेगा? मेरे को तो टोटल डाउट है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अच्छा है, भास्कर पे से डाउट हटके सीधा सूर्य किरण पर जाएगा। हाँ आओ, आराम से खोदना, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे साहब, हमारा रोज का काम ही। जानता हूँ मैं तेरा रोज का काम क्या है, हाँ, एक नंबर का चोर है साला तू, चल खोद। बॉडी डीकंपोजिशन के हिसाब से इस आदमी को मरे हुए लगभग 4 साल हो गए। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सूर्य किरण ही है? सूर्य किरण के डेंटिस्ट ने कुछ डेंटल रिकॉर्ड भेजे हैं, अगर वो स्केल्टन के दांत से दांत मैच कर गए तो ये सूर्य किरण ही है।
नहीं तो डेंटल रिकॉर्ड्स परफेक्ट मैच है। इसका मतलब है कि उस कबर की लाश मिस्टर सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श की ही है। ऑर्डर ऑर्डर। वेरी गुड, दैट मीन सूर्या सर 4 साल पहले मर चुके हैं। इसका मतलब उनका एलाइव होना या भूत होना या किसी का मर्डर करना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट मिस्टर पाठक, दैट भास्कर इज द रियल किलर, जीता जागता क्रिमिनल है वो। माना योर ऑनर, माना के सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 साल पूर्व हो चुकी। अब इस बात से देवी जी, इस समय पर एक और सवाल प्रकट हुआ है मेरे मन में, वो ये योर ऑनर, हर हत्यास्थल पर सूर्य किरण जी के हथियार कैसे पाए गए, उनकी उंगलियों के निशान समेत हर पीड़ित व्यक्ति के हाथों में उनके सर के बाल कैसे आ गए 4 साल बाद? कौन कर रहा है ये सब और क्यों क्यों कर रहा है? क्यों कोई भी एक मृत व्यक्ति को हत्या के आरोप में फंसाना चाहेगा? कब, कहां, कैसे, क्यों, किसने, कई प्रश्न है योर ऑनर, और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूं। यस। हां शेफाली, हां घड़ी अच्छी तरह से चल रही है। शेफाली तुम भी ना, देखो केडी सर मुझे बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, बाय। नहीं नहीं, लव स्टोरी है इसकी, जब से इसकी स्टोरी शुरू हुई है बेचारे को पड़ी रही है। शेखरन जी ये बताइए कि आप तो चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं, ये सूर्य किरण जी का सामान, उनकी वस्तुएं, तलवार, नानचोक, बाल आदि, ये किसके पास हो सकती हैं? वेटियर सर, सूर्य किरण फैन क्लब का प्रेसिडेंट, पूरा चेन्नई में उसका सबसे बड़ा फैन है, ये सारा कलेक्शन उसके पास मिलेगा। शेफाली मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या तेरी तेरी घड़ी को लेकर टेंशन हो रहा है क्या? सर शेफाली का वो पहला गिफ्ट था, संभाल के रखना चाहिए ना वरुण, तू कब्रस्तान जाकर महमूद से क्यों नहीं पूछता? राइट सर। लव मैंने भी किया था एक बार, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। लुक इट अप, ये सिर्फ कमरा नहीं, मेरा बनाया हुआ पर्सनल म्यूजियम है, सूर्य किरण म्यूजियम। उनके एवरी फिल्म का कोई ना कोई आइटम है मेरे पास में। सी, उनकी फिल्म सूर्या द टाइगर का ये जूता, उनका पहना हुआ जूता, फिल्म पुलिस 786 का उनका ये पैच, फिल्म थादल जीवन का ये अंगूठी, उनको जो हीरोइन ने दिया था विद लव, ओरिजिनल गोल्ड है सर, ओरिजिनल गोल्ड। मुझे पीतल की लग रही है ये, सॉरी। व्हाट यू नॉनसेंस टॉकिंग, ओरिजिनल गोल्ड है ये देखो, उनके एक्शन फिल्म का सारा वो ओरिजिनल हथियार। Everything is original. या कोई duplicate नहीं। ये हथियार तो हूबहू वैसे ही हैं जैसे कि अदालत में पेश किए गए थे जिनसे हत्या हुई थी। क्या मतलब? वो नकली है, not original। ये सब original है, original, असली। ये देखो, उनके सर का original बाल, फिर उनके original brush के साथ में। अच्छा, देख सकता हूँ जरा? Made in the Republic of South Sudan। जहां तक मेरा ज्ञान है, रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान की स्थापना सन 2011 में हुई है और सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 वर्ष पहले, यानी कि 2009 में। ब्रश तो उनका हो ही नहीं सकता, वैसे भी ये बाल नायलॉन के हैं विटियर जी, फेक। फेक? जी जी फेक है। पर कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल।
अब ये आप ही बताएंगे कि आपका ये सामान, ये तलवार, ये नानचोक और ये बाकी का ओरिजिनल सामान फेक कैसे हो गया। वैसे भी ये सारा सामान दोनों हत्याओं में इस्तेमाल किया गया है, जिसका ये अर्थ होता है कि सूर्य किरण जी जिंदा है। सूर्य किरण जिंदाबाद आप ही का नारा है, कहीं आप ही ने तो। सर लेकिन अब मैंने कुछ नहीं किया सर। एक मिनट, एक महीना पहले इधर चोरी हुआ था। क्या बात है, अचानक चोरी याद आ गई आपको? हाँ, क्योंकि उस चोरी में कुछ चोरी नहीं हुआ था। आई मीन चोर अंदर एंटर किया लेकिन लेकर कुछ नहीं गया। अब समझा स्वामी, उसने सब कुछ सामान बदल दिया, मेरे को अब मालूम पड़ा। तो क्या यही सच्चाई है जो आप मुझे अभी बता रहे हैं, या कोई और सच्चाई है विटियार जी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? सर आप मेरे पे शक कर रहे सर, आपको शक करना है तो मेरे पे नहीं, उसे शंकर पे करो। वो शंकर एमएलए वेलुतराई का पी है। हाँ, वो मेरे पास 2 महीने पहले आया था, ये सूर्य किरण के सारे आइटम्स का बड़ा बिग ऑफर लेकर। ही वांट बाय एवरीथिंग, लेकिन मैं बोला ये सब अमूल्य एंटिक पीस, मैंने उसको नहीं बेचा। सर कहीं ये सब के पीछे शंकर तो नहीं? उसी ने चोरी करके ये सब बदल दिया होगा और भास्कर फंस गया, और वो ये सब इसलिए किया होगा ताकि भास्कर की गर्लफ्रेंड उमा को फंसा सके। शंकर, भास्कर, उमा, कॉम्प्लिकेटेड। भास्कर, अब हमको नहीं लगता कि तुम जेल से बाहर निकल पाएगा। नहीं उमा, नहीं। तुम केडी सर पर भरोसा रखो, देखना वो मेरा इनोसेंस प्रूफ कर देंगे, जरूर कर देंगे। तुम अपने भ्रम में रहो भास्कर, पर तुम उमा को ये झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? शंकर, तुम उमा से असली में प्यार करते हो ना, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उमा, उमा, तुम इस कमीना के बातों में मत आना। मैं यहाँ से बाहर निकलकर। नहीं भास्कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम शंकर से शादी कर रहे हैं। हम तुम्हें यही बात बताने आए थे भास्कर, वरना तुम्हें बाद में पता चलता और तुम फिर से ये जेल तोड़कर मुझे मारने चले आते। हमको भूल जाओ, I'm sorry। चलो माँ। रुक जाओ शंकर, जाने से पहला मेरा थैंक यू तो लेकर जाओ। थैंक यू किस लिए? वो इसलिए कि आज तेरा वजह से मुझे उमा का असली रंग देखने को मिला है। यू क्रिकेट कर, तुम इंसान का नहीं मौका का तलाश में रहता है, मौका का। चलो मां, जाओ जाओ, ले जाओ। जो 11 साल के प्यार के बाद मेरा नहीं हो सका, वो 11 दिन के लव के बाद तेरा कैसे हो सकेगा? Watch it, I say, watch it। अना, अना, मेरा प्यार भी मुझसे छीन गया अना। हेलो, हाँ शेफाली, घड़ी का वारंटी कार्ड क्या करना है? लेकिन शेफाली मेरे पास घड़ी का सीरियल नंबर नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैंने घड़ी भी पहनी नहीं है ना। नहीं, वो होटल में है। अरे ऑफ कोर्स आई लाइक इट शेफू। अरे बेबी, घड़ी महंगी है ना, इसलिए मैं कैसे। हेलो 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 हेलो, हाँ साहब, उस दिन जब सूर्य किरण की लाश खोदी गई थी तब तुम ही थे ना जो
मुझे टकराए थे। हाँ देखो, अगर वो घड़ी तुम्हारे पास है तो बेहतर यही होगा कि बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए तुम मुझे वो घड़ी, यही घड़ी है ना साहब? हाँ लेकिन शायद आपके हाथों गिर गई होगी, मुझे उस कबर पे मिली। मैंने सोचा कि जिसकी भी होगी वो आज नहीं तो कल तो आएगा ही, तो मैं उसको दे दूंगा। और मुझे लगा कि यही कि मैं चोर हूँ। अब आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली पुलिस वाला तो तुम्हारे बारे में यही कह रहा था। लोगों का क्या है सर, वो तो कुछ भी बोलते हैं। कई साल पहले मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और मैं सज़ा भी काट के आया, लेकिन इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो छोड़ दिया। बस यही सॉरी बोल के, सॉरी जिसने मेरी ज़िंदगी के सारे 4 साल बेकार कर दिए। खैर साहब, मैं आपको अपना दुखड़ा क्यों सुना रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों की बातों पर ज़रा भी भरोसा मत करना। हाँ वो तो है, खासतौर से इस केस में। सूर्य किरण की बॉडी को वापस दफनाई नहीं? नहीं, कल सुबह दफना देंगे। लेकिन हाँ साहब, पुलिस कुछ भी बोले लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूर्य किरण जी की रूह इस पूरे कब्रिस्तान में भटक रही है। ओके थैंक यू। तो सिग्नल पूरी तरह से आता है। रात के 2:30 बज गए, लड़का कहाँ रह गया? मस्ट गो एंड लुक फॉर हिम। वरुण, वरुण, वरुण! साहब। हाँ महमूद, वो जो लड़का मेरे साथ रहता है गोरा सा, वो आया था क्या? जी, अपनी घड़ी लेने, जो वो छोड़ गए थे। मैंने उनको दे दी, फिर शायद वो चले गए। कहाँ चला गया लड़का है? ठीक है, थैंक यू। ये तो वरुण का जूता है। कोई और आया था? एक आदमी देखा तो था सर उस कबर पे, लेकिन मुझे अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं समझा कि कोई आया होगा अपने सगे वाले की कबर पे। बुला रहे इंस्पेक्टर गणेशन, देयर इज अ प्रॉब्लम। You mean आपके असिस्टेंट वरुण को यहाँ दफनाया होगा? I think so, इंस्पेक्टर गणेशन। मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। एडी साहब, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हम उसे कहाँ पता करेंगे? इंस्पेक्टर गणेशन, वरुण के हाथ में घड़ी है, अगर आपका मेटल डिटेक्टर उसे कैच करता है तो वरुण भी हमें मिल जाएगा। Thank you.
इंस्पेक्टर गणेशन, यही है, खुदवाइए प्लीज। हाँ इधर ही है, खोदो जल्दी। कॉफिन निकालिए प्लीज, निकालिए जल्दी करो। वरुण, वरुण, वरुण उठ, वरुण उठ। Are you okay? सर, वो घड़ी, वारंटी कार्ड, शेफाली। शेफाली को छोड़, तुझे जिंदा गाड़ दिया था अंदर। थैंक यू सर। वैसे शेफाली की घड़ी नहीं बचा है तुझे, मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना। कम लेट्स गो। I understand what you're trying to tell me, Mr. Pathak. You are trying to tell me कि कोई एक आदमी वेटियर के घर में जाकर उनके म्यूजियम में से ये सब ओरिजिनल आइटम निकाल के फेक आइटम उधर रखा और ये ओरिजिनल आइटम्स को वो मर्डर वेपन की तरह यूज किया। I understand, but what I am trying to tell you कि वो आदमी और कोई नहीं है, मिस्टर भास्कर ही है। वैजयंती जी, समझाइए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि वो व्यक्ति भास्कर नहीं, कोई और है। कोई और है जो इस शहर में था, उस कब्रिस्तान में था और अब इस अदालत में भी है। कौन? इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं जरा अपने सहायक वरुण को गढ़घर में बुला दूं, आप सब समझ जाएंगे। योर ऑनर, कल रात मैं कब्रिस्तान गया था अपनी घड़ी ढूंढने। वहां सूर्यकिरण की खाली कब्र में मुझे उनकी सोने की अंगूठी मिली। डिस्क्राइब करने पर मुझे पता चला कि केडी सर ने भी वैसी ही अंगूठी वेटियार के घर पे देखी थी। यू मीन वो अंगूठी भी बदली हुई थी? कहाँ है वो अंगूठी? पता नहीं, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया और वो अंगूठी छीन ली। पर इन सब चीजों का इस मर्डर से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है देवी जी, इसका बहुत गहरा संबंध है सूर्य किरण जी के कब्र के साथ। यार इस अंगूठी का उस कब्र के पास पाया जाना इस बात का साक्ष्य है कि कोई उस कब्र में उतरा था किसी वस्तु की खोज में। क्या नई स्टोरी शुरू? आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मौका दीजिए, विस्तार में समझाता हूं मैं। योर ऑनर, हुआ यह कि 4 वर्ष पूर्व साउथ के महानायक सूर्य किरण जी का दुखद निधन हुआ। बड़े उत्सव से उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया गया। 4 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ योर ऑनर। एक दिन अचानक 2 मृत्यु और 2 हत्याएं। गवाहों के कथन के अनुसार ऐसा लगा कि सूर्य किरण जी जीवित हो गए, अपने कब्र से बाहर निकले और ये हत्याएं कर बैठे। कानून के आदेश पर पुलिस ने वो मकबरा तोड़ा, कब्र को खोदा और सूर्य किरण जी के अवशेष की जांच की, ये जानने के लिए कि वो जीवित है या मर गए। I still didn't get it, Mr. Pathak, इसका मर्डर से क्या कनेक्शन है? अब आप मुझे कनेक्शन जोड़ने देंगी तो मैं जोड़ूंगा ना देवी जी। कनेक्शन वो चोरी की सोने की अंगूठी है योर ऑनर, जो उस व्यक्ति से वहां कब्र के पास छूट गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य किरण जी के कब्र में ऐसा क्या था जो वो व्यक्ति खोज रहा था। इतना तो स्पष्ट है योर ऑनर कि एक व्यक्ति के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो मकबरा तोड़े, सूर्य किरण जी के कब्र को खोदे, इसीलिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि कानून जाकर उस मकबरे को तोड़े, उस कब्र को खोदे, वो व्यक्ति अंदर छुपाए हुए सामान तक पहुंचे और उसकी खोज पूरी हो। खोज? व्हाट खोज? क्या था उस मकबरे में? हीरे जिनका कुल मूल्य 19 करोड़ रुपए। चार वर्ष पूर्व
रामास्वामी ज्वेलर्स के यहाँ एक सनसनीखेज चोरी हुई थी, चोर पकड़ा गया था, किंतु चोरी का सामान, चोरी का माल अब तक लापता था। वो सामान योर ऑनर महाअभिनेता सूर्य किरण जी के कब्र में छिपाया गया था और वहीं तक हत्यारा पहुंचना चाह रहा था। महमूद जी, एम आई राइट और एम आई राइट? लेकिन साहब आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं महमूद जी जो आप सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि कल रात आपको मैंने वहां कब्रिस्तान में देखा तो कुछ कुछ संदेह हुआ मुझे। इंस्पेक्टर गणेशन से जब जानकारी मांगी तो ये पता चला कि 4 वर्ष पूर्व रामास्वामी ज्वेलर्स में जो चोरी हुई थी, जिस सिलसिले में वो चोर पकड़ा गया था, वो चोर आप ही थे, यूरेका। हाँ, पकड़ा था लेकिन हीरे मिले नहीं इसलिए मुझे छोड़ दिया। नहीं तो क्या 4 साल बाद जब आपने खोजा तो मिल गए हीरे? नहीं नहीं साहब, मेरे पास हीरे नहीं है, मेरे पास नहीं। नहीं, मैं जानता हूं कि वो हीरे आपके पास नहीं है, वो हीरे आपके पास हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हीरे इंस्पेक्टर गणेशन को मिले और इंस्पेक्टर गणेशन ने ला करके ये मेरे हीरे, किसी को नहीं दूंगा। इसके लिए मैंने 4 साल काल कोठरी में निकाले, अपना खून पसीना किया। पसीना बहाया है आपने अपना, लेकिन खून किसी और का बहा। ये हीरे तो आपको नहीं मिल सकते महमूद जी, शायद संभवतः न्यायाधीश महोदय से आपको रहम मिल जाए अगर आप अपना जुर्म कबूल करें तो। चार साल पहले जब मैंने हीरे चोरी किए थे तो पुलिस के डर से मैंने कब्रिस्तान में जाकर इन्हें गाड़ दिया। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कब्र खोदकर हीरे निकाल दूंगा, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और जब 4 साल बाद जेल से छूटा तो मैंने देखा कि वहां पे एक भारी मकबरा बन गया और वो भी सूर्य किरण साहब का। अब भला मैं इसे कैसे तोड़ता? इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला, वेटियार के घर जाकर सूर्यकरण का सामान बदला। और फिर सूर्य किरण का लिबास पहनकर डॉक्टर रेड्डी को मारा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उस कब्र को नहीं खोदा, इसलिए इस केस को बड़ा करने के लिए मैंने एक और खून किया, एमएलए वेलुदुराय का। और वहां पर भी हथियार छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद जब कब्र खोदी गई और खाली हुई तो मैंने रात में अकेले जाकर अपने हीरे निकाल लिए। सूर्य किरण की चुराई अंगूठी उसमें गिर गई और फिर उसे इस लड़के ने देख लिया तो मैंने इसे भी।
अगर मैं उस चुराई हुई अंगूठी के लालच में नहीं पड़ता तो आज मैं नहीं पकड़ा जाता। थैंक यू द डिफेंस प्रेस योर ऑनर। यह अदालत महमूद शेख को डॉक्टर हेमंत रेड्डी और एमएलए वेलुदुराय के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर भास्कर अय्यर को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज नाउ। अरे देवी जी सुनिए ना, इट वॉज एब्सोल्युटली लवली टू मीट यू। I do hope to see you again. Thank you very, very much. इसी बात को तमिल में कैसे कहेंगे? I don't know. I am from Kerala, sir. KD sir, you are really great. Really great, KD sir. सब भावुक हो रहे हैं आजकल। KD sir, हाँ। सूर्य आरा is a superstar, but you are bigger star. You are my another god, KD sir. अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है यार? भगवान की बात तो दूर है, इस युग में इंसान इंसान ही बन जाए तो बहुत है। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.